अभिषेक और आप देख रहे हैं प्राइम कोर्स यूट्यूब चैनल। आज हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उसके पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास है इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ एस्पिरेटिंग ऑफ द गिवेन फोर्स इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और द फोर्स रिजोल्व अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है आपका फोर्स। सपोज कर लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स है जो 30 डिग्री एंगल पर है विथ एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 40 न्यूटन फोर्स इज विथ एक्स एक्सिस एट 30 डिग्री। ठीक है, अब डेफिनेशन के अनुसार स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। अब हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट में इसको स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पर किस कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक ऑन एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक, ये मैं सारा रूल्स बता रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना हो। ये 40 न्यूटन फोर्स है, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जो आपका 40 न्यूटन का फोर्स है इसको एक्स एक्सिस में रिजोल्व करेंगे तो होगा आपका 40 cos 30 डिग्री। अब जब वो इसको वाई एक्सिस में रिजोल्व करेंगे तो होगा 40 sin 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलर एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल, ये है 50 न्यूटन, यह है आपका एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस। ये जो 50 न्यूटन है ये 45 डिग्री एंगल पे वाई एक्सिस के अलोंग है, मीन्स 50 न्यूटन फोर्स इज विथ वाई एक्सिस एट 45 डिग्री। तो इसको कैसे आप रिजोल्व कीजिएगा, इसके लिए आप सेम तरीका है 50 न्यूटन, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, यहाँ पर दिया हुआ है द फोर्स रिजोल्व अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये क्या होगा आपका 45 डिग्री, अब तो हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा 50 cos 45 डिग्री, वाई एक्सिस के अलोंग 50 sin 45 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो हमारा न्यूमेरिकल है ए रॉड 3 मीटर लॉन्ग एंड वेट 2000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू रोप ए बी एंड सी डी। कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2 इन द रोप ए बी एंड सी डी। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
ये आपका वेट है जिसका 2000 न्यूटन ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये जो वेट है आपका सपोर्टेड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसमें टेंशन T2 और AB में टेंशन T1। आपको ये टेंशन निकालना है। गिवन क्या है कि इसका जो लेंथ है 3 मीटर, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू 3 मीटर, वेट ऑफ रॉड 2000 न्यूटन, टू फाइंड T1 एंड T2। हमें T1 एंड T2 टेंशन फाइंड करना है रोप में, इन AB एंड CD, ठीक है। तो हमें दो अननोन है, तो हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैं आपको समझाया एग्जाम्पल कुछ देर पहले, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये सपोज ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका वेट का डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका टेंशन है इसमें T1, ठीक है। और क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, हॉरिजेंटल और आपका जो T1 है, इसमें जो टेंशन रोप ए और बी जो रोप है उसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और सिमिलरली आपका जो ये हॉरिजेंटल है और इस हॉरिजेंटल और सी और डी के बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री है, थोड़ा मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, ये आपका T1 हो गया, इसको अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, और साइन कन्वेंशन हम ले लेते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, या इधर प्लस माइनस और माइनस, ठीक। ये आपका T1 है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, T1 cos 60 डिग्री, और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या हो जाएगा, T1 sin 60 डिग्री। सेम हमें सी पॉइंट को लेते हैं, ये सी है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है आपका टेंशन T2, इसके बीच का एंगल है 45, जिस तरफ है डायरेक्शन उसी तरफ हमें शो करना है। T1 में डायरेक्शन इस तरफ था, इस तरफ, तो हमने इस तरफ शो किया, T2 में डायरेक्शन इस तरफ है तो हमने इस तरफ शो किया, ठीक है। अब T2 को रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, T2 cos 45 डिग्री, ये हो जाएगा T2 sin 45 डिग्री, ठीक है। हमने दोनों को रिजोल्व कर लिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे रिजोल्विंग फोर्स अलोंग हॉरिजेंटली,
ठीक है, माइनस टी वन कॉस 60 डिग्री, ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये इस तरफ है, ये माइनस निगेटिव एक्सिस है, अगर वहीं इधर आता तो माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, तो ये निगेटिव की तरफ ये फोर्स है, तो इसलिए हमने माइनस लिख लिया, प्लस होगा क्योंकि ये हमने हॉरिजेंटली रिजोल्व कर रहा हूँ मैं, तो केवल हॉरिजेंटल फोर्स लिखेंगे, तो टी वन के केस में हमने टी वन कॉस 60 लिखे और टी टू के केस में हमने टी टू प्लस टी टू कॉस 40 डिग्री, ये 40 डिग्री नहीं 45 है, ये प्लस टी टू कॉस 45 डिग्री इजकल टू 0, ठीक है, हमें एक इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, अलोंग वर्टिकली, तो क्या होगा, वर्टिकल में दोनों पॉजिटिव है, टी वन साइन 60 डिग्री, ये वर्टिकल, टी टू साइन 45 डिग्री, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों का हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख देते हैं, तो दोनों में क्या होगा, प्लस होगा, टी वन साइन 60 डिग्री प्लस टी टू साइन 45 डिग्री इजकल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक, सॉरी सॉरी, इजकल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि जब दो वर्टिकल फोर्स ऊपर लग रहा है तो नीचे एक हमारा एक क्या हो रहा है, इसका वेट का भी, ये रोड का भी तो वेट नीचे आ रहा है, जो कितना है 2000 है, तो 2000 लिख देंगे इक्वल टू 2000, ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल गया, हमें दो अननोन है, अब हम उसको फाइंड कर लेंगे, अब हम देखते हैं, अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टी वन कॉस 60 डिग्री माइनस के साथ आएगा प्लस टी टू कॉस 45 डिग्री इजकल टू 0, और इसको अगर हम और रीअरेंज कर दें, टी वन कॉस 60 डिग्री इक्वल टू टी टू कॉस 45 डिग्री, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड है आपका टी वन साइन 60 डिग्री प्लस टी टू साइन 45 डिग्री इजकल टू 2000 न्यूटन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर देना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी वन इजकल टू टी टू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 1.414 टी टू होगा, तो टी वन का वैल्यू कितना हो गया 1.414 टी टू, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टी वन क्या हो जाएगा हमारा 1.414 टी टू साइन 60 डिग्री प्लस टी टू साइन 45 डिग्री इजकल टू 2000 न्यूटन, ठीक है। अब यहां से हम टी टू को कॉमन ले लेते हैं, तो 1.414 इंटू साइन 60 होता है 0.866 प्लस साइन 45 डिग्री होता है 0.66
707 इजकल टू 2000 न्यूटन। यहाँ से T2 का कितना वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, 2000 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 0.866 प्लस 0.707। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो आपको आएगा 1035.73 न्यूटन। ये आपका T2 का वैल्यू हो गया। तो T2 इजकल टू 1035.73 न्यूटन। और ये जब इस T2 को आप यहाँ पर पुट करते हैं, एक्चुअली आपको T2 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो T1 इजकल टू क्या है 1.414 T2, तो T1 इजकल टू 1.414 इंटू 1035.73, तो T1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1464.52 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपका T1 का भी वैल्यू निकल गया 1464.52 न्यूटन। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशन करना, जैसे हमने ये किया, ये करने से हमारा पूरा इक्वेशन सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इक्वेशन बनाना है और वैल्यू को पुट करना है, और जो भी डिजायर हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का जो हम वीडियो बनाएंगे इस चैनल पे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।